हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू मेकअप ट्यूटोरियल। आज मैं मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट कर रही हूँ, एक सिंपल सा जो इंडियन लुक होता है लड़कियों का, जिसमें हम सूट वेयर करते हैं, कुर्ती वेयर करते हैं। ये वाला जो मेकअप मैं क्रिएट कर रही हूँ वो आप किसी भी लुक पर ट्राई कर सकते हैं, किसी ओकेजन पर भी ट्राई कर सकते हैं, और कहीं पर अगर जाना भी है तो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना सिंपल सा सॉफ्ट लुक रेडी करने वाली हूँ कि आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा। और जिसमें जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे ही मेरी शॉप पर अवेलेबल हैं, तो शॉप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मैं दे दूँगी और स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, तो जल्दी से जाकर आपके प्रोडक्ट्स को बाय भी कर सकते हैं। तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप मैं जो मेकअप ट्यूटोरियल आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस मेकअप ट्यूटोरियल में सारे ही बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स यूज होने वाले हैं, और आई होप आपको पसंद आएगा। और पसंद आ जाए तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और प्रोडक्ट्स भी आप बाय कर ही सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब देरी ना करते हुए हमारे मेकअप ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इसका जो मेकअप ट्यूटोरियल है सॉफ्ट ग्लैम लुक पर है, तो हम जो सॉफ्ट ग्लैम लुक वो रेडी करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले अच्छा सा एक स्किन केयर कर देते हैं। और स्किन केयर आज मैं यूज़ कर रही हूँ क्विंच का। मैंने मेरा फेस है वो अच्छे से वॉश कर दिया है, और मैं यहाँ पर ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ मेरे फेस के लिए, क्योंकि मेरे फेस पर काफ़ी ऑयल आ जाता है, और समर्स के अकॉर्डिंग ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए क्योंकि फिर स्वेटिंग ना हो इसकी वजह से। तो अच्छे से मैं फेस पर लगा देती हूँ, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप अंदर देख सकते हो, अंदर अच्छा सा मसाजर दे रखा है, और इसको यहाँ से अनलॉक होता है, ये ऐसे अनलॉक किया, और जितना हमको हमारे फेस के लिए चाहिए उतना हमें पंप कर लेना है, और फिर हमारे फेस पर हमें लगाते हुए अच्छे से फेस पर लगाना है, और साथ ही साथ मसाज भी करनी है, और इसमें मसाजर दे रखा है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और हमारे इनफ अमाउंट में हमने ले लिया है अगर हमने मॉइस्चराइज़र, तो इसको लॉक कर दीजिए और फिर अच्छे से मसाज कीजिए। और अगर आप ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं जो ऑयल फ्री रहे और ऑयल फेस पर ना आने दे, और आपके पिंपल्स एक्ने को भी कम करे, क्योंकि ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो जब तक ये मेरे फेस पर अच्छे से मसाज कर रहा है तब तक मैं आपको थोड़ा ज्ञान ही क्यों ना दे दूँ। तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, और इसका फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। पूरे फेस पर अच्छे से लग चुका है, और जो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको बता रही थी इसलिए बोल रही हूँ। बाकी कोई भी स्किन केयर करे या फिर कोई भी फेस पर मसाज करे तो अच्छे से चुप रह के ही करना चाहिए, ताकि इसका इफ़ेक्ट और अच्छा आए। फेस का काम तो हमारा हो चुका है, तो अब हम हमारी आइज़ को भी थोड़ा प्रैप कर देते हैं, क्योंकि मेरी आइज़ के नीचे हल्के हल्के से डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ ना तो लेट तक जागना पड़ता है, तो उसकी वजह से डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। और आइज़ के नीचे जो हमारी पफिनेस होती है या फिर एज के अकॉर्डिंग जो फाइन लाइंस होती हैं उनको क्लियर करने के लिए हमें आई क्रीम तो यूज़ करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्विंच की आई क्रीम, जो हमारे डार्क सर्कल्स को बाय बाय करेगी और पफिनेस को बाय बाय करेगी, और हमारी फाइन लाइंस को भी बाय बाय करेगी। तो इसमें भी सेम एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो ऊपर मसाजर दे रखा है, और इसके अंदर भी क्रीम जैसे ही निकलेगी दिख रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी वाइट वाइट, इसी को ऐसे लेते हुए आइज़ के नीचे ऐसे लगाना है। इनमें मसाजर दे रखा है इसलिए डोंट वरी, अच्छे से मसाज भी हो गया है, और ये अच्छे से क्रीम ड्राई हो तब तक हम मेकअप के लिए थोड़ा वेट ही कर लेते हैं। और जब तक हमारी आइज़ का आई क्रीम सूख रहा है तब तक हमारे लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देते हैं। मैंने यहाँ पर लिप बाम यूज़ की है शुगर की, और बहुत ही अच्छी लिप बाम है ये, हमारे लिप्स को एकदम मस्त मॉइस्चराइज़ कर देती है, और इसका फ्लेवर भी इतना ज़्यादा अच्छा है। इसका शेड 03 है, अगर कोई अच्छा फ्लेवर ढूंढ रहा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और अब आ जाती है हमारे फेस पर प्राइमर लगाने की बारी, तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ बेस ऑफ ग्लोरी प्राइमर। ये जेल बेस्ड प्राइमर है, ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है, और आज जो मैं आप मेकअप में आपको बता रही हूँ वो समर्स के लिए बहुत ही अच्छा मेकअप है। अच्छे से प्राइमर हमने लगा दिया है फेस पर, अब कर देते हैं फेस की करेक्टिंग, क्योंकि मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हो चुके हैं। इसको कवर करने के लिए हम कर देते हैं फेस की करेक्टिंग, और करेक्टिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का ऑरेंज करेक्टर, जो कि बहुत ही अच्छे शेड में है और हमारे पूरे डार्क स्पॉट्स को कवर कर देगा। और इसको फिर मैं मेरे शेड के कंसीलर से हाईलाइट कर दूंगी।
और कंसीलर मैंने इसमें यूज़ किया है शुगर का और इसका शेड है 12 कॉर्न लीची। अब आ जाती है फाउंडेशन की बारी और फाउंडेशन में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का रेज ऑफ कवरेज 24 आवर्स फाउंडेशन। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा स्टे है इसका। तो इसको पूरे फेस पर हम ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड 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 कर देने वाले हैं। फाउंडेशन लगाने के बाद मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। आपके फेस पर आप जब आप मेकअप कर रहे हैं तब आप बहुत ही लिमिटेड यानी कम प्रोडक्ट में काम करना पसंद करें। जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे आप और प्रोडक्ट निकाल लें, पर एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ अगर आप काम करते हैं तो फर्स्ट आपका मेकअप केक ही हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, सेकेंडली और थर्ड स्टे ही नहीं करेगा, क्योंकि केक ही हो जाएगा तो फिर स्टे नहीं करेगा। लेस ऑफ अमाउंट के साथ हमारा मेकअप करें, क्योंकि जैसे जैसे हम मेकअप को बिल्ड करते हैं वैसे वैसे मेकअप अच्छा लगता है, पर बहुत सारा मेकअप एक साथ या फाउंडेशन एक साथ लगा लेते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम प्रोडक्ट के साथ काम करें। तो मैंने मेरे फेस पर कंप्लीट फाउंडेशन लगा दिया है, अब नेक पर और ईयर एरिया पे बाकी है। तो अब मैं मेरी अंडर आई कंसीलर लगा देती हूँ। और अब मैं कर देती हूँ मेरे फेस की बैकिंग। और आज मुझे ना फेस पर कॉन्टोरिंग करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा मेकअप करना है। मैंने मेरा बेस रेडी कर दिया है और इसके साथ मुझे आज सॉफ्ट लुक क्रिएट करना है। तो कॉन्टोरिंग से क्या बहुत ज़्यादा एकदम क्लीन नीट एंड क्लीन जो लुक आता है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग लाइटली ब्रोंजर कर सकती थी पर वो भी मुझे नहीं करना है, ओनली फॉर मैं ब्लश लगाऊंगी और लाइटली हाईलाइटर। तो आप आगे आगे देखो कैसा लगता है मेकअप। तो एक बार मैं पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। तो सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ग्रैंड फाइनल मैट फिक्सिंग स्प्रे। तो फिक्सिंग करने के बाद अब मैं कर देती हूँ मेरे फेस पर थोड़ी सी बेकिंग, और बेकिंग करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का टिंटेड पाउडर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका नाम है सेट द टोन टिंटेड पाउडर। तो मैं ब्लेंडर में ही इसको ले लूँगी और हमारी अंडर आई अच्छे से लगा के रखूँगी ताकि जो हमारा कंसीलर है वो हिले नहीं बिल्कुल। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया है क्योंकि मुझे अपर लिप्स पर नोज़ पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो इससे थोड़ा बेक करने से हमारा मेकअप है वो फिक्स हो जाएगा एकदम। तो इसको 1 से 2 मिनट रहने देंगे, फिर एक मिनट रहने देंगे, बाकी का काम कर लेंगे, फिर इसको डस्ट ऑफ कर देंगे ताकि जो भी एक्सेस पाउडर है वो निकल जाए और जो हमारे फेस को चाहिए उतना ही पाउडर हमारे फेस पर रहे। तो मैं अभी लगा रही हूँ फेस पर, ब्लश लगा देती हूँ। और आज मैं ब्लश एकदम न्यूड कलर का यूज़ करने वाली हूँ। इसकी पैकिंग तो एक बार तो इतनी क्यूट तो पैकिंग आती है और इसके बाद इतना प्यारा कलर आप देख सकते हो। और इसका शेड है, इसका नंबर है 01 और बहुत ही अच्छा है। तो हमारे फेस बैकिंग भी बहुत अच्छे से हो गई है, तो एक्स्ट्रा पाउडर है वो रिमूव कर देती हूँ। और ब्लश भी अच्छे से हमने अप्लाई कर दिया है, ब्लश का शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने मेरे फेस पर जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसको डस्ट आउट कर दिया है। अब आ जाती है हमारे आईब्रोज़ की बारी। तो अब भी मैं कर देती हूँ मेरे आईब्रोज़ को फिल। आज मैं आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ शुगर का आर्च राइवर आईब्रो डिफाइनर जिसका शेड 02 है और बहुत ही अच्छा शेड और मेरी आईब्रोज़ का एकदम परफेक्ट शेड है, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ डार्क ब्लैक ही है ऑलमोस्ट। तो एक बार इसको मैं अच्छे से कॉम कर देती हूँ ताकि जो भी मेरे आईब्रो में एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा। थोड़े थोड़े ब्लैंक्स हैं इसलिए इनको फिल करने की ज़रूरत रहती है, बाकी इतनी ज़्यादा डार्क है। आईब्रोज़ को मैंने अच्छे से फिल कर दिया, एकदम लाइट फिल किया है एकदम। और अब मैं मेरा आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ और आई मेकअप मैं आज एकदम सिंपल सॉफ्ट जैसे हमारा मेकअप है वैसे ही रखने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की ये पैलेट और इसके अंदर बहुत ही अच्छे न्यूड से शेड्स हैं, आप देख सकते हो ये शेड्स हैं सारे। तो मुझे इस शेड की ज़रूरत है और इस शेड की, ज़्यादा कुछ भी नहीं। दैट्स इनफ, बस इतना ही मुझे करना है क्योंकि मुझे सॉफ्ट लुक चाहिए। सो सिंपल सटल सा मेकअप है। और अब मैं
आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर भी मैं यहाँ पर शुगर की यूज़ कर रही हूँ और इस आईलाइनर का नाम है बॉर्न टू विंग जेल आईलाइनर और इसका शेड 01 है और ये जेट ब्लैक है एकदम, तो ये बहुत ही अच्छा हमको लुक क्रिएट करने में हेल्प करेगा। हमने जेल आईलाइनर से अच्छे से आईलाइनर क्रिएट कर दी है, बट हम इसको थोड़ा सा स्मज कर देंगे ताकि इतना एकदम से सटल सी ना लगे, थोड़ा सा मैस लुक रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक शार्प कॉर्नर ब्रश से मैं इसको अच्छे से स्मज कर दूंगी। आई मेकअप मैंने सिंपल सा क्रिएट कर दिया है, अब मैं आईलाइनर लगाने वाली हूँ। आईलाइनर मैं यहाँ पर शुगर की यूज़ कर रही हूँ और इसका नाम है ग्लोज बोज 24 आवर्स आईलाइनर और बहुत ही अच्छा स्टे है इसका। तो मैं एकदम पतला सा विंग ड्रॉ करके पतला पतला आईलाइनर लगाऊंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा एकदम सॉफ्ट लुक रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने एकदम पतला सा आईलाइनर ड्रॉ किया है। अब मैं काजल लगा दूंगी ब्लू कलर की, जो कि बहुत ही अच्छी लगने वाली है। शुगर की काजल है ये और इसका शेड ब्लू है। और ब्लू काजल के नीचे मैं थोड़ा सा डार्क शेड स्मज कर दूंगी ताकि ये एकदम से सटल सा नहीं लगे। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर का मस्करा, जो कि बहुत अच्छा मस्करा है और इसका नाम है डबल डेट एक्सट्रीम वॉल्यूम मस्करा। ये मस्करा इतना अच्छा है कि हमको एक्स्ट्रा फॉल्स लेशेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार तो एक कोट मस्करा की करनी है। आप देख सकते हो काफ़ी हैवी तो हो गई है मेरी लैशेस। और इसी के साथ अगर हम जो ये पीछे दे रखा है पाउडर उसको अप्लाई करेंगे तो एक्सट्रीम हमारी जो लैशेस है वो और वॉल्यूमनाइज हो जाएगी। आपको इस लैश में और इस लैश में कितना फ़र्क दिख रहा है देख लीजिए आप। और लग भी रहा है कि एक्स्ट्रा हमने फॉल्सीज लगा रखी हैं, पर नहीं, ये जो मस्करा है वो फॉल्स लैशेस का ही काम करता है और हमको हेवी फॉल्स लैशेस उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फॉल्स लैशेस का काम कर देगा। तो हमारा आई मेकअप हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मस्करा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मैं लिपस्टिक लगा देती हूँ और लिपस्टिक लगाने से पहले मैं मेरे लिप्स को अच्छे से लाइन कर दूँगी, वो भी शुगर की लिप लाइनर से और इसका शेड है 01 टलीफा टेरेकोटा। 01 इसका शेड है, बहुत ही अच्छा शेड है, आप ट्राई कर सकते हो। लिप लाइनर लग चुकी है और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। और लिपस्टिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की क्लिक मी अप और इसका शेड है 01। बहुत ही अच्छा इसका शेड है, जैसा मुझे लुक के लिए चाहिए वैसा। और अब बचता है मेरे फेस पर हाइलाइटर, तो मैं आज हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ शुगर का रॉयल रोज 04 इसका शेड है और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, एकदम पिंकिश टोन में है। आज मैंने हाइलाइटर ज़्यादा नहीं लगाया, बाकी मेरे मेकअप में हाइलाइटर ही रहता है, बस इनफ है, मुझे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है क्योंकि सॉफ्ट लुक है, सॉफ्ट लुक में हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते हमारा फेस। अगर थोड़ा पार्टी लुक या फिर पार्टी लुक या फिर इंडियन टाइप का हम कुछ मेकअप कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेडिशनल वेयर कर रहे हैं तो उसमें अच्छा हाइलाइटर अच्छा लगता है, बट जो हमने सॉफ्ट लुक क्रिएट किया उसमें इतना हाइलाइटर नहीं जाएगा। तो कम हाइलाइटर लगाया, वो भी पिंक कलर का, तो एकदम लाइटली हाइलाइट हुआ जैसे कि मेरा फेस। अब मैं मेरे पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं सेटिंग स्प्रे ग्रैंड फाइनल मैट यूज़ कर रही हूँ, इससे पूरा मेकअप हमारा मैट रहेगा। ये है हमारा फाइनल मेकअप, अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। आप देख सकते हो हमारा फाइनल लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाला लुक आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, वेडिंग्स में, ओकेजन्स में, या फिर कोई त्यौहार हो या फिर कहीं बाहर जाना हो, सब में ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और मैंने इस पूरे सूट के साथ में सिल्वर ज्वेलरी वेयर की है, मेरे पास वॉच नहीं थी सिल्वर कलर की तो मैंने चिकू की वॉच पहन ली और चिकू को मेरी वॉच पहना दी और मुझे पर्सनली ये लुक बहुत अच्छा लगा। जब मैंने ये सूट पहना था तब भी मैंने इतना अच्छा लुक क्रिएट नहीं किया था जितना मैंने आज आप लोगों के लिए किया है, पर ये चीज़ बहुत गलत है, मुझे भी अच्छा सा लुक क्रिएट करना चाहिए ना, मैं कहीं जाऊँ तो फिर जल्दी में रहते हैं ना, इसलिए।
तो आप देख सकते हो लुक तो कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है। और ये लुक आप मस्ट ट्राई कीजिए सारे शुगर के प्रोडक्ट्स के साथ। अगर आप ये लुक ट्राई करते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और हूबहू अगर ऐसा ट्यूटोरियल ऐसा मेकअप लुक रेडी करते हो तो मुझे पर्सनली फ़ोटो भेजो और मैं मेरे इंस्टा आईडी पर आपकी स्टोरी ज़रूर लगाऊंगी। आपको यहाँ तक देखने के बाद वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आपको बाय कह देती हूँ। तो जल्दी जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।